आज हम अगला रस पढ़ेंगे। रस का नाम है विभत्स रस। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से आश्रय के मन में घृणा का भाव या जुगुप्सा का भाव पैदा हो, वहाँ विभत्स रस होता है। काव्य है, इसको पढ़ा जाए, इसको सुना जाए या इसको देखा जाए, जैसे नाटक को देखते हैं तो एक काव्य का हिस्सा है। तो काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से किसके मन में? आश्रय के मन में घृणा का अभाव पैदा हो, वहाँ पे विभत्स रस होता है। आइए देखते हैं अब इसका स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा, दोनों पर्यायवाची हैं। घृणा को ही बोलते हैं जुगुप्सा। आगे देखो इसका उदाहरण देखते हैं। स्थायी भाव हमारे मन में स्थायी होते हैं, उनको मिटाया नहीं जा सकता। घृणा हमारे अंदर होती है, जुगुप्सा हमारे अंदर होती है, लेकिन अनुकूल परिस्थिति आने पे ये मनोविकार या भाव ही रस का रूप ले लेते हैं। जैसे हम काव्य में कोई ऐसी चीज़ देखें, जैसे नाटक में पढ़ें, जैसे कविता में, कहानी में, या सुने, सुना भी जा सकता है जिसको पढ़ना लिखना देखना नहीं आता वो, तो उससे जो हमारे अंदर सोया हुआ घृणा का भाव है, जुगुप्सा का भाव है, वही भाव जब आनंद की अनुभूति देगा या विरेचन करेगा तो उसको कहेंगे विभत्स रस। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खेचत जीव ही सियार, अति ही आनंद उर्धारत। गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरीन को काट काट के खान विचारत। युद्ध हो गया, युद्ध के बाद में दोनों पक्ष लड़ते हैं तो कुछ सिपाही घायल होते हैं, कुछ मारे जाते हैं। युद्ध क्षेत्र को देख के सम्राट अशोक का हृदय इतना परिवर्तित हुआ कि उसने युद्ध घोष को बंद कर दिया और धम्म घोष शुरू किया और जीवन में युद्ध न लड़ने की बात कही और अहिंसा का मार्ग अपनाया। तो युद्ध के बाद में युद्ध क्षेत्र का क्या हाल होता है? बहुत बुरा हाल होता था पहले। आजकल तो तकनीक है, तो तकनीक के द्वारा युद्धों के घायल को तुरंत अस्पताल में पहुँचा देते हैं या उनकी डेड बॉडीज़ को जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। पहले जब राजा महाराजा लड़ाई लड़ते थे, युद्ध होता था, तो जो पराजित पक्ष था उसकी लाशें, हाथी घोड़े, उनके कटे हुए अंग, और फिर जब रात हो जाती थी तो जंगली जानवर सियार कुत्ते ऊपर गिद्ध उनके ऊपर मंडराते रहते थे। कनुप्रिया जो खंड काव्य है उसमें राधा यही सोचती है कि क्या ये कृष्ण ही है जो महाभारत का युद्ध करवा रहे हैं, और जो देखती है कि ये गिद्ध उड़ उड़ के कहाँ जा रहे हैं तो उसको अंदाज़ा लगता है कि ये गिद्ध महाभारत की युद्ध भूमि में जा रहे हैं इंसानों को नोच नोच के खाने के लिए। तो सोचती है कि कृष्ण ने इस युद्ध को क्यों नहीं रुकवाया, क्या वो रुकवा सकता था क्या। तो यही बातें हैं। तो युद्ध का सीन देखो और फिर आप इसको महसूस करो। सिर पर बैठे हो काग, आँख दो खात निकारत। सिर
यानी माथा। माथे पे कौन बैठा है? काग, कौवा। सिर पे बैठे हो काग, इसको हम कलर चेंज करते हैं, ब्लैक करते हैं। काग यानी कौवा। उसने दोनों आंखें निकाल ली है, दो यानी दोनों, खात खा रहा है, निकाल रहा है। सिर पर कौवा बैठा है, दोनों आंखें निकाल ली है और उनको खा रहा है, निकाल ली है। खेंचत यानी खींच रहा है, जीब ही यानी जीभ को सियार, सियार मरे हुए इंसान की जीभ को खींच रहा है। सियार अति ही आनंद उर्धारत, और सियार उन इंसान मरे हुए इंसान की जीभ को खींच रहा है और उसके मन में बहुत आनंद है। युद्ध क्षेत्र का सीन है, एक तरफ एक किसी मरे हुए इंसान को कौवे उसकी आंखें फोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, दूसरी तरफ सियार इंसान की जीभ को निकाल निकाल के खा रहे हैं, खींच रहे हैं, उसके मन में खुशी से खा रहे हैं। गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, जो गिद्ध हैं, गिद्धों ने इंसान की जांग को, जंगा को खोद खोद के उसके मांस निकाल रहे हैं, मांस को खा रहे हैं, इंसान मरे हुए हैं। स्वान अंगुरिन को काट काट के खान विचारत, दूसरी तरफ कोई लाश पड़ी है तो स्वान यानी स्वान देखो कुत्ते, कुत्ते उसकी उंगलियों को काट रहे हैं और उंगलियों को काट काट के खाने की विचार कर रहे हैं। यह है युद्ध क्षेत्र का सीन। तो क्या इतना देखने पे, पढ़ने पे, सुनने पे बुरा नहीं लग रहा? जी नहीं मिचला रहा? उबकाई नहीं आ रही? यदि आ रही है तो कौन सा रस निकल रहा है? विभत्स रस। इसको भी देखो रस माना गया है। रस का मतलब केवल आनंद नहीं है, जो विरेचन कर दे, भावों को जगा दे और भावों को जगाने के बाद में आत्मा को शुद्ध कर दे, परिष्कृत कर दे, विरेचित कर दे चित्त को, चित्त का विरेचन हो जाए, वही रस होता है, चित्त का विरेचन। जहाँ चित्त का विरेचन हो जाए वहीं पे होता है रस। अब यहाँ पे कोई मज़ा नहीं आ रहा, ये देख के रस नहीं आ रहा। रस का मतलब केवल मज़ा ही नहीं होता, जैसे रौद्र रस है तो क्या मज़ा है उसका? मतलब गुस्से का कोई मज़ा होता है? नहीं। जहाँ चित्त शांत हो जाए उसके बाद मन के विकार दूर हो जाएं, वहाँ पे होता है रस, निर्विकार हो जाए मन। तो यहाँ पे रस हुआ विभत्स, घृणा पैदा हो रही है, जुगुप्सा पैदा हो रही है। हाँ, उदाहरण समझ में आ गया। इसका कोई दूसरा उदाहरण भी आप दे सकते हो जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो उदाहरण दिया जा सकता है। अब इसका आलंबन देखते हैं। किसके सहारे ये रस पैदा हो रहा है? आलंबन सहारा, शमशान या युद्ध भूमि, दोनों लिखो। शमशान या युद्ध भूमि। देखो कोई एक एक लाश पे तो एक लाश पे तो एक कुत्ता, शियार और गिद्ध और कौवा बैठ नहीं सकता, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा लाशें पड़ी हैं वहाँ पे, एक से ज़्यादा इंसान मरे हुए पड़े हैं। तो या तो ये शमशान है या फिर ये युद्ध भूमि है, या तो ये शमशान है या फिर ये युद्ध भूमि है। तो यहाँ पे आलंबन हो गया।
यहाँ पे आलंबन हो गया शमशान या युद्ध भूमि। और उद्दीपन क्या हो गया? उद्दीपन कहते हैं जो रस की इंटेंसिटी को, उसकी प्रबलता को, उसकी क्षमता को बढ़ाए, तीक्ष्णता को बढ़ाए। तो यहाँ पे उद्दीपन हो गया कव्वे का आँखों को निकालना, शियार को जीभ को खींचना, गिद्ध का जांग से मांस उखाड़ उखाड़ के खाना और कुत्ते का उंगलियों को काट काट के खाना। ये क्या कर रहा है? एक तो वैसे ही रस है, शमशान में या युद्ध क्षेत्र में मरे हुए लाश देखने पे जुगुप्सा का भाव पैदा होता है। दूसरा, अगर ये ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे जानवर तो ये रस बढ़ जाएगा, ये इंटेंसिटी, ये तीव्रता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे उद्दीपन क्या हो गया? ये सब उद्दीपन है, उद्दीप्त करना यानी बढ़ाना, तो ये सभी उद्दीपन है, तो ये सब उद्दीपन हो गया। और यहाँ पे आश्रय क्या है? आश्रय आश्रय होगा दर्शक, देखने वाला या पाठक, ऐसा सीन के बारे में पढ़ने वाला या श्रोता, सुनने वाला। तो ये हो गया हमारा विवत्स रस। ये एक बार फिर से देख लेते हैं, विवत्स रस परिभाषा देखी। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से आश्रय के मन में घृणा का भाव और जुगुप्सा का भाव पैदा होता है, विभत्स रस कहते हैं। यहाँ पे मात्रा ठीक कर लो, ये विभत्स में बड़ी मात्रा आएगी। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, घृणा होता है। उदाहरण हमने दिया ये युद्ध क्षेत्र का, और ये आलंबन, उद्दीपन और आश्रय इसमें बताया। तो ये कुल मिला के हमारा हो गया विभत्स रस। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।